2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुटी हुई है। अमित शाह सभी राज्यों का एक एक दौरा भी कर चुके हैं, तो वहीं पीएम मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के सहारे विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन महागठबंधन चुनाव की तैयारी तो तब करेगा जब उनके बीच पहले से मचा कलेश खत्म होगा। पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का पीएम उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक ये ही तय नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम पर सहमति जता चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस राहुल के नाम का ऐलान कर अब बैकफुट पर है। खबर है कि कांग्रेस किसी महिला उम्मीदवार का नाम आगे कर सकती है। इनमें ममता बनर्जी और मायावती का नाम सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि चुनाव से पहले किसी के भी नाम को चुना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे महागठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंच रहा है। फेडरल फ्रंट का खाका तैयार करने में लगी ममता बनर्जी इस सिलसिले में शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला से भी मिली थी। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को साथ आना चाहिए और उन्हें देश के फायदे के लिए बलिदान देना चाहिए। दीदी चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर लड़े, न कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पहले से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए ये कदम आत्मघाती हो सकता है। ऐसे में महागठबंधन के लिए हर पार्टी के हित आपस में टकरा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो बीजेपी चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। कई पार्टियों ने तो अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं।